जी कहाँ जा रहे हैं आप? ससुराल। ससुराल। हाय अल्लाह, ये भी है? हाँ ये भी है पौने सात ससुराल बज रहा है। मेला। चलो अनुषा इकरा, आप रेडी हो गई? दिखाओ जल्दी कर ले, जल्दी दरवाजे के पास आओ। ये है इकरा की लुकिंग, शूज भी मैचिंग है। ओ माय गॉड, और अनुषा की लुकिंग। तो ये अनुषा की लुकिंग है। ओ माय गॉड, बता दूंगी। ओ माय गॉड, चप्पल नहीं पहनी? अरे अभी पहनी। अच्छा पहनो जाओ। तो ये है अनुषा की फुल लुकिंग है। अनुषा तो और जो जॉगर्स में पहनूंगी, जो मुझे दूसरे दिन का आउटफिट है ना। हाँ हाँ, तो इसके साथ जॉगर्स। उसके साथ जॉगर्स, सही। और अब मेरी लुकिंग कौन दिखाएगा? हम कैसे तैयार हुए? वहाँ ये मम्मा पापा का आउटफिट है। ये मम्मा नहीं लाई थी, और मम्मा एक हाथ में पहनती नहीं है, पता नहीं क्यों। तो अब चलें पापा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो भाई ये हमारा ईद का फर्स्ट डे है, और हम लोग दोपहर का खाना वाना खा के, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो उसके बाद हम लोग थोड़ी सी देर रेस्ट करने के लिए बैठ गए थे। और उसके बाद अब हम लोग निकल गए हैं अपने पापा के घर के लिए, यानी कि पापा के घर जा रहे हैं। तो रास्ते का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और ये जो नेचुरल व्यू होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस थोड़ा सा बस मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी आप लोगों के लिए, और बस देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए थे पापा के घर पे। और पापा के घर पे जब मैं पहुंची, तो वहाँ क्या क्या हुआ, तो वो आप लोगों के साथ शायद मैं इस व्लॉग में शेयर नहीं कर पाऊँ, उसके लिए माजरत। अच्छा, मेरे साथ कौन कौन था, मेरे कौन कौन थे पापा के घर पे जाने के लिए? तो मेरे लवली हस्बैंड थे, अनुषा थी, इकरा थी, और हम चारों ही यहाँ पे घर जा रहे हैं पापा के। और ये जो सामान मेरे हस्बैंड लिए हुए हैं, ये है छोटी बहन का, जो कि मैंने उसको गिफ्ट करना था और मेरे हाथ में भी था, लेकिन वो मैंने नहीं दिखा सकी। तो बस आप पापा के घर जाएंगे, और वहाँ पे क्या हुआ उसके लिए तो आपको फुल वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। और अगर आप लोग मेरी वीडियो वॉच करते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बिना सब्सक्राइब किए देखना तो बहुत बुरी बात है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो बस यहाँ पे वही वाला सूट वेयर किया था, जो आप लोगों को लास्ट वीडियोज़ में दिखा दिया है। तो बस यहाँ बस पापा के घर पर आए, और पापा के घर पे आने के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। इसका रीज़न क्या है बस मैं नहीं बता सकती आप लोगों को, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, समझी जाती हैं। तो बस कुछ इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़, जिसकी वजह से मैंने कोशिश करी कि बेकार में टेंशन हो, इससे अच्छा बस अफ़ान साहब को यहाँ दिखा रही हूँ कि अफ़ान साहब जो है अनुषा को बार बार ईद मुबारक कर रहे थे। और यहाँ पर इकरा की ईदी, मेरी छोटी बहन जो कि देख रही है, और कि भाई इकरा का पर्स और इकरा की ईदी। तो ये तो बच्चों की ईदी जो जमा होती है ना, तो बड़ों को बड़ा शौक होता है कि भाई हम भी देखें कितनी ईदी जमा हुई। तो यहाँ माशाल्लाह से वो इकरा की ईदी देख रही हैं, और इकरा से मजाक भी कर रही हैं कि अब मैं इसमें से कुछ ईदी ले लूँ। तो ये तो खाला भांजी का था प्यार। और यहाँ पर जो छोटा सा बेबी है ना, वो सो रहा है, जोहान नाम है माशाल्लाह से इस बच्चे का। तो अब यहाँ पे बस मैंने आप लोगों से कहा ना कि मैंने कोई भी वीडियो शेडियो नहीं बनाई। तो यहाँ ये अनुषा ने बनाए थे केक्स की वीडियो, जो कि मीठे में थे, तो बस इसको कट किया था और फिर वो हमने खाया था। खाने में क्या था, क्या क्या एक्टिविटी हुई, क्या क्या एंजॉयमेंट हुआ, मैंने कुछ भी शेयर नहीं कर पाऊँगी आप लोगों के साथ, उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। मुझे ख़ुद को भी बहुत दुख है, लेकिन शायद किसी को खुशी हो जाए इस बात से कि मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। तो बस यहाँ बाहर निकले, तो यहाँ हमारे हैदराबाद में बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है, और इस मेले में मैं काफ़ी बार जा चुकी हूँ। अगर आप लोग मुझे कॉमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए दोबारा से जाऊँगी और वीडियो भी बनाऊंगी। तो बस यहाँ हमारे हैदराबाद में एक बहुत बड़ा ये मेला लगा हुआ है, ईद फूड फेस्टिवल के नाम से, आटोबान रोड पे, बहुत बड़ी जगह पे लगा हुआ है। तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, इतना रश था, इतना रश था कि बस अल्लाह की पनाह। तो बड़ी मुश्किल से हमारा यहाँ से निकलना हुआ। अपन लाइव में
तो यहाँ बस घर की तरफ जा रहा है। और ये अनुषा ने स्नैपचैट में कुछ वीडियोस बनाई थी अपनी और छोटे बेबी की, तो ये बेबी वही है जो अभी कुछ 2 मंथ्स पहले ही पैदा हुआ था माशाल्लाह से। तो बस अनुषा को वैसे भी छोटे बच्चों का बहुत शौक़ है, तो बस यहाँ ये स्नैपचैट पे वीडियो बना रही थी और यहाँ गाना भी चल रहे थे, लेकिन उसको मैंने बंद करना पड़ा क्योंकि फिर कॉपीराइट का इशू होता है। तो बस ये छोटी छोटी सी पिक्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और इसके ज़्यादा कोई वीडियो शीडियो मैं नहीं बना पाई। तो बस ये अनुषा है, ये इकरा है और ये अरहम साहब है। तो माशाल्लाह से बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अल्लाह ताला सब बच्चों को बुरी नज़र से महफूज रखे और सब बच्चों का नसीब अच्छा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये अनुषा ने अपने सेकंड डे की भी पिक्स इसमें शेयर कर ली है। सेकंड डे की वीडियो इंशाल्लाह ताला अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो बस मिलती हूँ फिर आपसे किसी अच्छी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अरफान साहब भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अल्लाह ताला हम सबको बुरी नज़र से महफूज रखे, हासिदों के हसद से महफूज रखे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।